मुद्रा लोन अप्लाई करने के बेस बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ की पर्सन में नाम डालना है, नेम ऑफ यूनिट डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि आप वेलकम गाइस वेलकम टू लोन पाव यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आप लोग आवेदन कर सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंट अगर आपको इंस्टा लोन अप्लाई करना है तो आप लोग 1 लाख रुपये तक अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो 50,000 रुपये तक का लोन बहुत ही आसानी से मिल गया है, और 50,000 रुपीज़ तक है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो प्रूफ्स है वो मैंने देखे हुए हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे कि ये जो है प्रॉपर तौर पे एसबीआई की वेबसाइट पे हमें अप्लाई नाउ का लिंक देखने को मिलता है। तो ये अप्लाई नाउ का लिंक वर्क कैसे करता है और आगे चल के क्या प्रोसेस इसका हो सकता है, इसके बारे में ये जो है डेमो बेसिस वीडियो होने वाली है, और आपको मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको जो है SBI बैंक को इस चीज़ को बताना है कि आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन चाहिए, कितने रुपए तक का लोन चाहिए, आप लोग किस ब्रांड से लोन लेना चाहते हैं, आपका कौन से इंडस्ट्री के अंदर आते हो, बेसिकली आप जो है अपनी तरफ से सभी वो जो है इनपुट देना चाहते हो, जिससे SBI बैंक को पता चल सके कि आपको मुद्रा लोन की तलाश है और जो आप लेना चाहते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप लोग कैसे किशोर मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हो, वो भी इस तरीके के जो है शॉर्ट फॉर्म को कंप्लीट कर करके, और कैसे इसको कंप्लीट करने के बाद कौन से जो है आपको आगे चल के रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो लोन पर चैनल में स्वागत है, और SBI से अगर आपको किशोर मुद्रा लोन आवेदन करना है और वो क्यों करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आपका आवेदन करने का रीज़न क्या है। ऑनलाइन एक प्रोसेस तो कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को फिल करके जो है हम यहाँ पे SBI के जो ऑफिशियल जो है जितने भी लोग बैठे रहते हैं कस्टमर टीम उन तक जो है हम अपना एक मैसेज पहुँचाएंगे। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड लोन पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो जैसे कि आपको पता है वीडियो है, जैसे नीचे टाइटल होता है, टाइटल पर जैसे आप टाइप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे यहाँ पे योजना पॉलिसी डॉट कॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजना पॉलिसी डॉट कॉम की साइड पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जो मेन्यू बार का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ जो मिलती है कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर आपको MSME लोन और करंट अकाउंट एजुकेशन लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो MSME लोन पर आना है, क्योंकि आपको पता है MSME प्रोडक्ट का ही हिस्सा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। इसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इसमें आप चाहो तो स्क्रॉल करके जा सकते हो तो नेक्स्ट करके आपको देखने को मिल जाएगा, वरना आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे ही आप लोग सर्च के बटन पर टैप करते हो तो यहाँ पर सिंपली कीवर्ड डालना है आपको, SBI मुद्रा डाल सकते हो या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन भी आप लोग डाल के सिंपली सर्च करोगे तो आपके सामने कंटेंट मिलेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे लें। सिंपली टैप करना है और आप लोग सामने जो है आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ का बेनिफिट रहता है मुद्रा लोन लेने का, वो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, और ये बात हर कोई जानता है कि यहाँ पर जो मुद्रा लोन है कहीं भी किसी भी बैंक से अगर मुद्रा लोन अप्लाई करोगे तो 3 कैटेगरी में ही आपको लोन मिलता है, जिसके अंदर 50,000 रुपये तक शिशु मुद्रा लोन, 5 लाख तक किशोर और 10 लाख तक तरुण का देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैं इंटरेस्ट रेट की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो एक कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट कह सकते हो कि अफोर्डेबल भी होता है और सभी के हित में, बस ये हो सकता है मेरे हिसाब से फ्लोटिंग हो, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स को फ्लोटिंग रखते हैं। अगर फिक्स्ड है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये फिक्स इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, बट फ्लोटिंग है तो ये जो है ईयर के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से और बैंक पॉलिसी के हिसाब से जो है फ्लक्चुएट हो सकता है। रीपेमेंट की जहाँ तक बात करते हैं कि आपको लोन कब तक चुकाना पड़ सकता है, तो वो आपको आराम से 5 साल तक का, 3 से 5 साल के समय का आराम से मिल जाता है। मार्जिन कितना लगेगा ये सारी चीज़ आपको आगे चल के मैं बता दूंगा, इसके अलावा किन किन चीज़ों पर चार्जेस है, किन किन चीज़ों पर नहीं है वो भी बताऊंगा। साथ ही मैं यहाँ पे एक बेनिफिट और है कि इस लोन को लेने पर आपको कोई भी कॉलेट्रल को जमा नहीं करना है, कॉलेट्रल सिक्योरिटी जो होता है वो आपको जमा नहीं करना होता, जस्ट बिकॉज मुद्रा लोन के अंदर ये सब चीज़ जो है अलाउड नहीं होती। अब बेसिकली बात आएगी एलिजिबिलिटी के और डॉक्यूमेंट्स की, इस चीज़ को समझने के लिए आप सबसे पहले तो इस आर्टिकल को पढ़ लो, और इसको आप हिंदी सहित और भी भाषाओं में पढ़ सकते हो, जैसे आप लोगों को जो है सिंपल तरीके से जानकारी मिल सके कि भाई अच्छा अच्छा ये इस तरीके से जो है आवेदन किया जा सकता है। बाकी आप लोगों को विजिट का जो लिंक है इस पर सिंपली करना है टैप, जिससे आप जो है रीडायरेक्ट कर जाओगे SBI के ऑफिशियल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सिंपल तरीके से बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जैसे कि जो लोन है वो टाइप ऑफ फैसिलिटी में किस तरीके का है, तो वो है वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन के बीच में। साथ ही में जो पर्पस है वो किस लिए लोन दिया जा रहा है, सबको पता है बिजनेस पर्पस के लिए, कैपेसिटी एक्सपेंडेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। अब जाहिर सी बात है हम 50,000 1 रुपये से 5 लाख के बीच में बात करते हैं, तो ये इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आप लोग का जो एक्जिस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि जाहिर सी बात है नए स्टार्टअप वालों को शिशु मुद्रा लोन तो आसानी से मिल जाएगा, बट अगर किशोर तरुण की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा मिलना टफ इसलिए भी रहता है क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस लोन को लेते हो तो यहाँ पे ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपका बिजनेस जो है 3 से 5 साल तक अच्छा खासा रनअप किया हो, तो आप उसको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना चाहते हो, जिसके लिए आपको फंड बेस्ड की नीड है, तो आपने ये लोन को आवेदन किया है। साथ ही में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वांटम ऑफ लोन का सेक्शन क्या है, तो यहाँ पे आपको लोन जो है 50,000 रुपये शिशु में देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर वीडियो जा चुकी है, और अभी हम जो है सेकंड किशोर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 50,000 1 रुपये से 5 लाख के बीच में लोन मिलता है। मार्जिन आपको 50,000 रुपये तक पे नहीं लगेगा, लेकिन 50,000 1 से 10 लाख के बीच में 10% का आपको मार्जिन पे करना पड़ सकता है। बाकी प्राइस जो है कॉम्पिटेटिव प्राइस जो है वो लिंक रहेगी आपके लिंक MCLR से, और रीपेमेंट जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि 3 से 5 साल के बीच का आपको मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो है शिशु एंड किशोर पे नहीं, तो MSU यूनिट्स, लेकिन तरुण पे 0.50% का होगा, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस ऑफ लोन अमाउंट। ये बात कर लेगी तो बात है कि एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग एंड यूनिट्स उतना ही लिखा हुआ है,
लेकिन मैं आपको इतना समझाता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है। सिंपल तरीके से आप सबसे पहले कोई भी जो स्मॉल फर्म्स आते हैं या फिर नॉन फर्म आते हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ से लोन लेने के लिए। दूसरा, यहाँ पे आप जो है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने चाहिए, लेकिन वो किस सेगमेंट में, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर ट्रेनिंग सेक्टर हो सकता है। इन तीन सेक्टर के अंदर आप जो है काम अगर करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है सिंपल तरीके से एलिजिबिलिटी में आ जाओगे लोन को आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ के ऊपर बात कर ली तो बात टर्म्स एंड कंडीशन की भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो बता दूँ यहाँ पे कॉलेटरल सिक्योरिटी के बारे में जो सवाल है वो मैंने कहा था कि यहाँ पे टू बी नील टू बी कवर्ड अंडर CGFMU और बाकी अदर कंडीशंस में आपको बहुत सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। तो अब बारी आती है कि आप आगे क्या करना है और आगे कैसे आवेदन करना है। आगे आवेदन करने के लिए मात्र आपको अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे जस्ट वेट करना है और आपके सामने जो है अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन खुलता है। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है, जैसे कि मैंने कहा था कि हम जो है अपनी तरफ से रिस्पॉन्स पहुँचाएंगे SBI के ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव्स को, ताकि वो जो है हमें हमारे जो है नीड को समझे और मुद्रा लोन अप्लाई करने के बेस बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ की पर्सन में नाम डालना है, नेम ऑफ यूनिट डालना है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा कि आप कौन से जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हो। जैसे कि किसी का पब्लिक लिमिटेड हो सकता है, किसी का इंडिविजुअल भी हो सकता है, किसी का SHG भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बहुत सारे होते हैं तो उसमें से चूज़ कर लेना है। मोबाइल नंबर डालना है, सबको पता है मैंडेटरी है, और मोबाइल नंबर वो डालना स्पेशली जो आपके आधार वगैरह से लिंक हो। इसलिए इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखो कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है कि अगर बात ऑनलाइन प्रोसेस की जाए तो आपको पता है कि आधार वेरिफिकेशन, आधार OTP, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है। तो शायद से मोबाइल नंबर आपका आगे चल के जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। बाकी ईमेल एड्रेस का जो है यहाँ पे सेगमेंट को भर देना है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट भर सकते हो, बाकी एड्रेस लाइन भर देना है। अब यहाँ पे स्टेट की बात आएगी तो आपका जिस स्टेट में जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पे, मतलब जिस स्टेट में आपका ब्रांच है वो आपको स्टेट चूज़ करना है। इसके बाद उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट शो करेगा, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, फिर ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आपको शो कर जाएगा एंड ब्रांच कोड आपको फिल नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। सेक्टर्स की बात करते तो इन तीनों में से, जैसे कि मैंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड ट्रेडिंग, आपको इन तीन सेक्टर में से किसी एक सेक्टर पर अगर आप काम करते हो तो आप डेफिनेटली एलिजिबल माने जाओगे। बाकी पर्पज़ यहाँ पे चूज़ करना है, तो जैसे कि हम मानते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई बंदा जाता है तो यहाँ पे जो है उसके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं कि वो जो है लोन क्यों ले रहा है। जैसे कि कोई स्मॉल बिजनेस को सेटअप करने के लिए लोन लेना चाहता है अंडर मुद्रा के अंदर, या फिर वो जो है सेटअप करना चाहता है स्मॉल बिजनेस को SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पर, या वेयर हाउस फाइनेंसिंग करना चाहता है, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि सेलर्स बनना चाहता है, बहुत सारे उसके सामने ऑप्शन होता है। दूसरी तरफ अगर सर्विसेज की बात की जाए तो जैसे ही आप जो है इसको सर्विस पे चेक करोगे तो इसके भी जो है काफ़ी सारे अलग अलग जो है यहाँ पे पर्पस निकल करके आ जाएंगे आप लोगों के सामने। तो ये सारी चीज़ तो है वो होती रहेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सर्विसेज के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बिजनेस लोन अगेंस्ट करंट अकाउंट, कॉमर्स व्हीकल लोन है, अदर में बहुत सारी चीज़ें, तो ये आपके सर्विसेज में आ गए। और लास्ट बट बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे आपको बिजनेस लोन अगेंस्ट करंट अकाउंट मिल जाएगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सेटअप कॉटन गेन मिल जाएगा, वही सेटअप स्मॉल होम बिजनेस अंडर मुद्रा, ये बहुत सारे आपको जो है पर्पस यहाँ पे मिल जाएंगे। अब प्रोडक्ट नेम में आपको पता है क्या चूज़ करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये चूज़ कर लिया और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में ऑटोमेटिक चूज़न हो रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक ही ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद अप्लाई अमाउंट सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे आपको अमाउंट उतना चूज करना है जो 50,000 एक रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 3,40,000 के रुपए की नीड है तो ये आपका लोन अमाउंट हो जाएगा और सिंपल तरीके से कैप्चा कोड उसको डाल के सबमिट कर देना है। अब सवाल आता है कि देन इसके बाद नेक्स्ट क्या। देखो मेरे हिसाब से मुझे, क्योंकि इस फॉर्म को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट किया था अपनी तरफ से, लेकिन शायद यहाँ पे जो है सर्वर का कुछ हैंगिंग इशू आ रहा है, इसलिए कई बार जो है मुझे ये जो है ये फॉर्म को आगे प्रोसीड नहीं करवाऊँ। बट बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को आगे प्रोसीड किया है तो उनका ऐसा मानना है कि इसके बाद जैसे वो सबमिट करते तो शायद से जो है उनसे बहुत जल्दी जो है एग्जेक्टिव्स कांटेक्ट करते हैं या फिर उनको रेफरेंस नंबर में भी ऐसा कुछ मिल जाता है। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे जो है आपसे एग्जेक्टिव्स कांटेक्ट करते हैं तो वे आपको वो तरीका बताएंगे और आपसे जो है वो पूछेंगे कि आप मुद्रा लोन की नीड क्या है। तो हो सकता है कि आपके बिजनेस के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाए और अगर उससे पता चलता है कि आप डेफिनेटली एलिजिबल है इस लोन को लेने के लिए तो मे बी आपको नेशनल पोर्टल के बारे में बताया जाए जो कि जनसमर्थ का है, जिसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है, या इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बताया जाए कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियस्ट ब्रांच में सबमिट कर देना है। बट अगर ऑनलाइन बेस की बात किया तो एक नेशनल पोर्टल है और हो सकता है कि जैसे इनका इंस्टा मुद्रा ऑप्शन है जो SBI के वालों का है 1 लाख रुपए तक का, शायद उसके उसके ही अंदर कुछ इनिशियल फीचर्स मिले जो आपको 5 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़ तक के जो है मुद्रा लोन को लेने में सहायता कर सके। बाकी इस बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इसको सबमिट करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप मुझे ज़रूर बताना सबमिट किया है कि नहीं कि आप लोगों ने। ये वीडियो तो जस्ट एक डेमो बेसिस पे थी ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे कैसे सारी चीज़ों को करना है, कैसे हम जो है अपना जो इनपुट है, अपनी जो क्वेरी है, हम जो है वो भेज सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन के फॉर्म के माध्यम से। बाकी ये वीडियो कैसे लगी वो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा से शिशु मुद्रा लोन आपको आवेदन करना है तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, जाके तुरंत वॉच करें।